हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पिज्जा पसंद है, मोमोज, बर्गर, चाउमीन? पानी आ गया ना मुंह में। लेकिन यहाँ मैं आपको कोई खाने की रेसिपी नहीं बताने जा रही हूँ, ना कोई डिश दिखाने जा रही हूँ। बस एक बात शेयर करनी है आपसे, जो मेरे साथ घटना घटी है उसके बारे में। ये बात तब की है जब मेरे बच्चे को हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। मेरा बच्चा सिर्फ उस समय 2 महीने का था और मुझे फीवर रहने लगा। स्टार्टिंग में तो लगा सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने अपनी दवाइयां दी, 1-2 दिन में फीवर उतर गया। फिर 2-3 दिन बाद फिर फीवर, फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि दवाइयां आपको रेगुलर खानी पड़ेंगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप खाइए, फीवर आपका खत्म हो जाएगा। दवाइयां खाई, 2-3 दिन में फिर उतर गया, फिर नॉर्मल। उसके बाद फिर फीवर वहीं का वहीं। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्टिंग लिख दी कराने के लिए, टेस्टिंग कराई। जो टेस्टिंग कराई थी उनकी रिपोर्ट नॉर्मल। अगेन फिर फीवर आने लगा, फिर दवाइयां। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर उनकी टेस्टिंग, और सारी की सारी टेस्टिंग सब नॉर्मल आती थी। उसमें ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो, आपका एक्सरे हो, सब कुछ हो गया, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल। और मेरा फीवर वैसे का वैसे ही। एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि मैं अपना नॉर्मल टेम्परेचर ही भूल गई थी कि मेरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है क्या। 104-105 मुझे प्रॉपर फीवर रहने लगा, मुझे फीवर कंटिन्यूअस बना रहने लगा, मेरी भूख प्यास सब चली गई। घर पर खाना बनाती थी, सबके लिए बनाती थी, लेकिन अपने लिए खाना ही नहीं बनाने का मन करता। मैं भूल ही चुकी थी कि इस घर में मैं भी रहती हूँ, मुझे अपने लिए भी खाना बनाना है। धीरे धीरे करके मेरा वेट भी बहुत कम हो गया। मैं ऐसा लगता था कि बॉडी में कोई जान ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। और बुखार की वजह से मेरा हर वक्त ऐसा रहता था कि माइंड कहीं और है। उसके बाद हम लोग बरेली गए थे। बरेली में गंगा चरण हॉस्पिटल में वहां पर दिखाया, डॉक्टर अनिल है उन्हें दिखाया था, उन्होंने वहां पर टेस्टिंग कराई। टेस्टिंग में अगेन सब कुछ नॉर्मल। आ गए हम यहाँ पर, पूरा उन्होंने चार्ट बनाकर दे दिया, आपको मॉर्निंग में ये दवाइयाँ खानी है, इस टाइम ये टेम्परेचर चेक करके यहाँ पर नोट करना है, इवनिंग में ये खानी है, इस टाइम का आपको अपने फीवर का टेम्परेचर नोट करना है। लेकिन होता कुछ भी नहीं था। 2-3 दिन दवाइयाँ काम करती थी, फिर फीवर जस का तस वैसे का वैसे ही बना रहता। मतलब जो इरिटेट होता है ना पर्सन, वो हो चुकी थी मैं। मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं कोई दवाइयाँ खाऊं, कुछ भी खाऊं पीऊं। ये लगता था कि क्या है ये, हर वक्त तो मुझे फीवर बना रहता है, क्या करूं मैं। अपने बच्चे तक को नहीं देख पाती थी, जिसको उस समय मेरी कितनी ज्यादा जरूरत थी, आप समझ सकती हैं। 2 महीने के बच्चे को अपनी माँ की कितनी जरूरत होती है। और टेस्टिंग शायद ही कोई रह गई होगी जो मेरी ना हुई हो। बस जिस डॉक्टर के पास जाते थे उनकी अगेन टेस्टिंग, चाहे आपकी पहले से ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन न्यू डॉक्टर के पास जाएंगे उनकी अपनी एक टेस्टिंग होती है। चंदौसी थे हम, तबीयत खराब तो थी, लेकिन मेरी बॉडी ने वो मान लिया था कि वो फीवर मेरा जो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा था ना, मैं उसे भूल चुकी थी, और जो टेम्परेचर मेरा फीवर की वजह से बना रहता उसे ही एक्सेप्ट कर लिया था मेरी बॉडी ने। मैं भूल चुकी थी कि मुझे फीवर भी है। एक दिन ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट में थी, तो मुझसे बोले तूने बहुत टाइम से अपना बुखार चेक नहीं कराया, चल डॉक्टर के पास चल। मुझे वजह से मुझे वहां पर लेकर गए। मैं कहा अब तो मैं ठीक हूँ, नॉर्मल है मेरा, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर के पास गए, वहां पर जाकर उन्होंने फीवर वगैरह चेक करा, सब कुछ हुआ, 104 फीवर था। जबकि मैं ये कह रही थी कि मुझे नॉर्मल है सब कुछ, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये लगता था कि बॉडी का कोई टेम्परेचर ऐसा होता भी है जो नॉर्मल हो। उसके बाद टेंशन तो होती है घर वालों को, सबको टेंशन होती थी कि बुखार क्यों बना रहता है। गायनी को भी दिखाया, हो सकता है प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई हो जिसकी वजह से फीवर रहता हो, लेकिन रिजल्ट 0, कुछ भी नहीं। फिर अगेन हम बरेली गए, वहाँ
वहाँ पर धनवंतरी हॉस्पिटल है, वहाँ पर दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने टेस्टिंग की है, डॉक्टर बोले हो सकता है ब्लड में ऐसा कोई वायरस हो जो पकड़ में नहीं आ पा रहा हो, आ जाएगा, आप वेट करिए, वो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से फीवर बना हुआ है। वहाँ पर मेरी दीदी रहती थी, मैं उनके घर पर थी। शाम को हम लोगों को निकलना था, साथ में मेरे भैया थे, मेरे हस्बैंड और मैं। निकलने के लिए हम उठे ही थे कि अचानक से मुझे आंखों के आगे बिल्कुल ब्लैक आउट हो गया, बिल्कुल ब्लैक आउट, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे क्या अजीब सा बॉडी में करंट सा दौड़ गया है। सडनली मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मुझे फिट पड़ा था, और फिट इतना स्पीड वाला था वो कि मेरी ये टंग पूरी कट चुकी थी, उसमें से ब्लड बह रहा था। मेरे हस्बैंड और मेरे भैया को तो लगा कि बस हो गया काम इसका तो। और सच बताऊं वो फिट पड़ने का जो एक्सपीरियंस है मैं बता नहीं सकती कि कितना डेंजर था। और मुझे होश आया था हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में उस समय जिस समय मुझे होश आया था उस समय मैं साइड मेरा सीटी स्कैन चल रहा था, सीटी स्कैन हुआ था, फिर मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सीटी स्कैन में आया था मेरे माइंड में एक गांठ। डॉक्टर ने ये डाउट किया कि या तो ये गांठ टीवी की है या फिर है ये कीड़ा, कीड़ा का कीड़ा था वो कैबेज बर्न, यानी कि जो पत्ता गोभी में जो कीड़ा होता है ना, पत्ता गोभी का कीड़ा, चौंक गए ना आप लोग, हाँ वो था मेरे माइंड में। लेकिन उस समय तो क्लियर नहीं था, डॉक्टर को एक डाउट था जैसे सीटी स्कैन में दिखाया गया था। डॉक्टर ने फिर कहा कि आप एक एमआरआई कराइए। फिर हम एमआरआई कराने के लिए दिल्ली गए। दिल्ली में क्लियर हुआ कि वो पत्ता गोभी का कीड़ा ही है जो 11 एमएम का था मेरे माइंड में, और वो मेल था। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि वो फीमेल नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि ये फीमेल भी होते हैं और अगर ये माइंड में जाएं और अगर उस टाइम वो प्रेग्नेंट हो और माइंड में जाके आपके एग दे दें तो आप सोचो कितने कीड़े आपके माइंड में बन जाएंगे। उसके बाद मेरा असली ट्रीटमेंट तो तभी शुरू हुआ था, वो था उस कीड़े का जिसकी वजह से मैंने इतना सफर किया। करीब 3-4 महीने मेरे उस कीड़े ने बिल्कुल जीना दूभर करके रख दिया था। मैं बता नहीं सकती वो टाइम मेरी लाइफ का कितना टफ टाइम था। अपने बच्चे को छोड़ना, हॉस्पिटल में जाना, रहना, उस बीमारी से बिल्कुल निकलना बाहर, बहुत टफ था वो। इस समय तो मैं आपको नॉर्मली थोड़ा बहुत बता पा रही हूँ, पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही, लेकिन बहुत टफ टाइम था। मैं आपको बता नहीं सकती कितने डॉक्टर्स ने क्या क्या कहा था। कुछ ने मुझे कैंसर बता दिया, कुछ ने कहा HIV, और कुछ ने कहा तुम्हें TB है। कितना अजीब सा लगता था वो टाइम सोचकर कि ऐसा कैसे कह सकते हैं डॉक्टर बिना किसी प्रूफ के, क्योंकि रिपोर्ट्स में तो कुछ आता नहीं था। लेकिन उन लोगों को लगता था कि नहीं, एक बार नहीं आया रिपोर्ट में दूसरी बार आ जाएगा, दूसरी बार नहीं आया रिपोर्ट में तीसरी बार आ जाएगा। लेकिन आता कुछ भी नहीं था, सिर्फ हम लोग चक्कर पर चक्कर लगाते थे और फीवर वैसे का वैसे ही। लेकिन जब पता चला ये पत्ता गोभी का कीड़ा है तो सिर्फ 21 दिन के ट्रीटमेंट से सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक डॉक्टर तो श्योर होकर कहने लगे कि तुम्हें टीवी है। मैं कहा नहीं, मुझे टीवी हो ही नहीं सकता। बोले ऐसा कैसे नहीं हो सकता, टीवी है इसी वजह से तुम्हें फीवर है। बोले अच्छा टेस्टिंग कराओ। मैं कहा किसकी टेस्टिंग कराओ। बोले अपने बलगम की टेस्टिंग कराओ, यानी कि जो कफ है ना गले में जो बलगम कफ आता है उसका। मैं कहा मुझे बलगम आता ही नहीं है। तो बोले आएगा कैसे नहीं, शाम को ठंडा दूध पी के सो जाओ, रात को अगले दिन बलगम आ जाएगा ऑटोमेटिकली।
जबरदस्ती मेरे हस्बैंड ने मुझे ठंडा दूध पिला दिया। अगले दिन कुछ बलगम बलगम कुछ आया ही नहीं, तो बोले अरे तो कुछ तो दे रहे, निकाल के अपने गले में से मुझे जो थूक वूक था मैंने वो दे दिया उन्होंने डिब्बी में। रिपोर्ट आई नॉर्मल, डॉक्टर को दिखाया, देखा कहाँ है टीवी, तो बोले अरे एक बार में नहीं आया है, दोबारा करवाओ टेस्टिंग, दोबारा दो बलगम अपना टेस्ट होने के लिए, दोबारा नहीं आएगा तो तीसरी बार, तीन बार में क्लियर होता है ये। अगली बार से मैं उन डॉक्टर के पास गई ही नहीं, सही बात बताऊं मैं, मतलब जो जो देखा ना मैंने लाइफ में कि क्या क्या होता है, कोई कहता था मेरी सांस की नली में सूजन आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, डॉक्टर्स हैं उनके फंडे, दवाइयां देने के, ट्रीटमेंट करने के, चाहे आपको कोई बीमारी एक्चुअल में हो ना हो, बस। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो थी पत्ता गोभी का कीड़ा। इसलिए स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने आपसे कहा था कि आपको बर्गर पसंद है, चाउमीन पसंद है, मोमोज पसंद है, सभी को अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, और इन सब में पत्ता गोभी का यूज होता है। तो कोई कहे कि पत्ता गोभी का कीड़ा हो जाता है ऐसे खाने से, तो आप बाहर का तो अवॉइड कर देंगे, ये घर में कभी ना कभी तो खाते ही हैं। पत्ता गोभी की सब्जी सभी को अच्छी लगती है नॉर्मली, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैं खूब शौक से खाती भी थी। डॉक्टर साहब ने पूछा था कि ऐसा कैसे हो गया, बाहर का इतना तो ज्यादा खाती है, और घर पर तो सब्जी बॉयल होती है, अगर कीड़ा बाई चांस सब्जी में आ भी गया तो जिंदा कैसे रह गया। डॉक्टर ने कहा था कि जो पत्ता गोभी में कीड़ा होता है ना, आप इसे कितना भी बॉईल कर लो और ये मरता नहीं है, आप इसे खाएंगे तो ये जाएगा आपके सीधे पेट में ना जाकर माइंड में। उस समय तो मतलब शॉक सा लग गया था एकदम, डॉक्टर ने जब ये कहा कि ये क्या नई बात बता दी, लेकिन हाँ ये रियलिटी है, वो हमारे माइंड में जाता है, माइंड में जाने के बाद तो जो क्या कोहराम मचाता है वो तो मैंने आपको बताया ही। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आपको बहुत कम ही इसका पार्ट बताया था, जो जो मेरे साथ हुआ और जो मैंने सफ़र किया वो तो काफ़ी कुछ था। बस मुझे यही बात बतानी थी गाइस आप लोगों को कि हमें बाहर का ये सब कुछ अवॉइड करना चाहिए, जो पत्ता गोभी का यूज होता है घर में भी, हम पत्ता गोभी अगर बनाते हैं तो उससे पहले हल्दी के पानी में भिगो कर रखते हैं, पहले अच्छे से वॉश करें, फिर एक दो घंटे के लिए उसे हल्दी मिले हुए पानी में भिगो कर रखें, फिर उसे अच्छे से वॉश करें तब बनाएं इसकी सब्जी। कोई किसी चीज़ की डर से हम खाना तो बंद कर नहीं देंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सावधानी भी तो बरती जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती जैसा सफ़र मैंने किया वैसा आप लोगों को भी करना पड़े, किसी को भी करना पड़े। बस भगवान की ही कृपा है और मेरे बच्चे का प्यार, जो मैं उसकी वजह से उस टाइम से बाहर निकल पाई, वरना तो वो अगर कीड़े की संख्या ज्यादा होती तो भगवान ही जाने मेरा क्या होता। जब एक कीड़े ने मेरा इतना जीना दूभर कर दिया, 8-10 या उससे ज्यादा संख्या में कीड़े होते तो फिर मेरा क्या होता, आप सोच सकते हैं। सो गाइस, अगर मुझे ये सब कुछ बताने में कुछ गलत हो गया हो या कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा जस्टिफाई किया है। आई होप मैं सब कुछ क्लियर किया हो। सो गाइस, मुझे अपनी लाइफ का इंसिडेंस कम एक्सीडेंट ज़्यादा छोटा सा पार्ट शेयर करना था। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा या थोड़े से अवेयर हुए हो आप पत्ता गोभी के कीड़े को लेकर, क्योंकि कमी लोगों को पता है, और जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी ये नया ही पता चला था कि ऐसा भी कुछ होता है पत्ता गोभी में कीड़ा होता है, और वो माइंड में ऐसे जाकर ऐसे ऐसे तूफान मचा के रख देता है। तो बस हम बाहर की चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें
और घर पर भी हम पत्ता गोभी को पकाएं, अच्छे से उसे धोकर साफ करके तब पकाएं और खाएं। सो गाइस, अगर आज आपको मेरी पत्ता गोभी की कीड़े की पेनफुल जर्नी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके तो जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें ताकि वो भी अवेयर हो सकें पत्ता गोभी को लेकर। और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।